गाइस हम बद्रीनाथ जी के लिए जा रहे हैं चौपता के रास्ते से। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय हो प्रभु। कृष्ण जी की गोद में बिठा के दर्शन दिए थे, वैसे ही हमें बद्रीनाथ जी के यहाँ दर्शन देना। बद्रीनाथ जी बहुत अच्छे दर्शन देंगे हम सब। जय हो बद्री विशाल, जय हो। चौपता रास्ते समय जगह जगह पे लग रहा है जाम और हम लगा रहे हैं अपना काम। खराब रोड आ रहा है और आप लोग भी आओ तो बड़े संभाल के चलो पहाड़ों में, अपनी साइड से चलो। और लैंडस्लाइड तो यहाँ होता ही रहता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, साइड से चलो। कम से तो कोई दिक्कत होने वाली है। ये देखो सारी गाड़ी आराम से निकलती हैं। हम गुप्त काशी होते हुए अब चौपटा आ गए हैं। चौपटा का व्यू देखो, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। यहाँ पर बहुत सारे कैंप बने हुए हैं चौपटा में। अगर आप तुंगनाथ की ट्रैकिंग करने आते हो तो चौपटा आके आपको रुकना है, और चौपटा से आप जाएंगे चंद्रशिला तुंगनाथ की ट्रैकिंग करने के लिए। तो आप चौपटा आने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे लिए इंस्टाग्राम पे DM करो एडवेंचर धीरेंद्र। और ये देखो चौपटा में बहुत सारे कैंप वगैरह बने हुए हैं जगह जगह। चौपटा में बहुत सारे कैंप बने हुए हैं ऊपर नीचे, यहाँ बहुत लोग आते हैं रहने के लिए। ये देखो चौपटा के नज़ारे, अभी हमें चौपटा में, ये देखो पूरा चौपटा का व्यू है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है देखो चौपटा में। जब धीरेन्द्र और तुंगनाथ में आपका स्वागत है। ये मंदिर, मंदिर की ट्रैकिंग यहाँ से शुरू होती है। हर हर महादेव। ये तुंगनाथ मंदिर की पार्किंग एरिया, यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। आप लोग आइए यहाँ, पार्किंग लगा के जाम मत लगाइए बस। ये देखो हमारे दिल्ली नोएडा से आते हैं और रोड पे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं सारे दिल्ली नोएडा वाले। बहुत जाम लगाते हैं यहाँ पे, सब गाड़ियों के चालान होने चाहिए एक तरफ से 5,000 रुपए के। चौपटा की पहाड़ी पे क्या मज़ा आ रहा है, शानदार व्यू है चौपटा का, शानदार व्यू। और मैं हूँ एडवेंचर धीरेन्द्र, हूँ चौपटा में और जा रहा हूँ बद्री विशाल। आज रुकेंगे हम पीपल कोटी में, कल जोशीमठ के रास्ते हम जाएंगे बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। अभी हम चौपटा से जा रहे हैं। चौपटा में देखो जाम, बहुत ज़्यादा जाम लगा रखा है। तो गाइस हम पीपल कोटी पहुँचने वाले हैं, सुबह चले थे हम गुप्त काशी से। तो पीपल कोटी हम आने वाले हैं, बद्री विशाल की जय। क्या लैंडस्लाइड हुई है, छोटी मोटी लैंडस्लाइड, बड़ी लैंडस्लाइड तो हमने आपको वीडियो में दिखाई नहीं है क्योंकि अफवाहों से दूर रहें। और देखो हम पहुंचने वाले हैं पीपल कोटी और ये हमारे बद्रीनाथ धाम के बड़े बड़े। तो यहाँ पे भजन चल रहे हैं, हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ धाम के लिए, पीपल कोटी से बद्रीनाथ धाम के लिए। आज दिन में हम दर्शन करेंगे बद्रीनाथ जी के, और सभी लोग देखो भक्ति में मगन हैं। आज जय माता की, आज नवरात्रि का नवमी का दिन है, जय माता दी। और हम सभी लोग निकल गए हैं बद्री धाम के लिए, बद्री धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। उत्साह के साथ सभी लोग बहुत ही उत्साह हैं और सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और जा रहे हैं बद्रीनाथ। हर हर महादेव। हम जोशीमठ पहुंच गए हैं। देखो जोशीमठ में कितना अच्छा वाटरफॉल है, ये देखो। वेलकम टू जोशीमठ। और हमारी बस बहुत ही कंजेस्टेड एरिया से निकल रही है, हम बिल्कुल जोशीमठ आ गए हैं। और अब देखो हम बद्रीनाथ पहुँचने वाले हैं, जय बद्री विशाल। लोग जोशीमठ पहुंच चुके हैं, जैसे हैं वैसे हैं, कैसे हैं बताइए, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। पहाड़ों की यात्रा में वो आनंद आ रहा है। तो एक डायलॉग हो जाए जो अभी बनाया था, जो अपने हैं पराए हैं वो वाला।
अभी हाँ हो जाए। एक हमारे साथ कथावाचक हैं, सम्मानित हैं रामनाथ कोविंद के थ्रू। रामनाथ कोविंद ने इनको श्री श्री 1008 बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। परखो तो कोई अपना नहीं, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी को गम के बुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बुला दो। वाह 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 वाह, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, पर सबको हंसा दो। यही है राज जिंदगी का, यही है राज जिंदगी का। जियो और जीना सिखा दो। वाह 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 वाह। तो हमारे साथ बने हुए हैं श्री श्री 108 राम किशोर द्विवेदी जी बुंदेलखंड से। ये 2018 में रामनाथ कोविंद हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ पद्मश्री सम्मानित हुए नकली, और बहुत ही स्वागत है इनका, बहुत धन्यवाद। ये हमारा आ गया ओली वाला पॉइंट, और ये ओली जा रहा है 14 किलोमीटर, जो कि आइस स्केटिंग वगैरह होती है यहाँ पे। और जनवरी फरवरी में ओली बहुत ज़्यादा पीक सीजन पर रहता है। तो गाइस हम जोशीमठ से निकल रहे हैं, यहाँ पर नरसिंह जी का मंदिर है, और अभी आए तो हम आगे आने के टाइम पे रुकेंगे नरसिंह जी के मंदिर पे। बिरला विषय आश्रम है बिरला का। जोशीमठ की वादियाँ, और जोशीमठ से निकलते हुए हम बढ़ रहे हैं गोविंद घाट और बद्रीनाथ जी की तरफ। और ये देखो पूरा जोशीमठ है। अगर आप बद्रीनाथ आते हो तो जोशीमठ में भी आप स्टे कर सकते हो। तो जोशीमठ में स्टे करके सुबह निकलो, शाम को यहाँ वापस आ सकते हो। नरसिंह भगवान का मंदिर है नीचे। जय हो नरसिंह भगवान की जय। जोशीमठ क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं गोविंद घाट की तरफ। और ये देखो ब्रिज आया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो बद्रीनाथ बचा है 35 किलोमीटर, गोविंद घाट है 10 किलोमीटर। ये देखो, अरे 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 गलती कर दी, चलो भैया हो गई सही। पहुंचने वाले हैं, सभी बोलो जय बद्री विशाल। तो बैकुंठ धाम देख लो जी। हाँ, और माना जी बचे, माना है 36 किलोमीटर, बद्रीनाथ 32 किलोमीटर, गोविंद घाट 7 किलोमीटर। बैकुंठ धाम से हम जा रहे हैं आगे बद्रीनाथ की तरफ। जय बद्री विशाल। चार धाम यात्रा आना है हमें, इंस्टाग्राम पे डीएम करें और पूरी इन्फॉर्मेशन लें हमसे। चार धाम यात्रा का पैकेज कैसे होता है, ये हमारा चार धाम का लास्ट स्टॉप है बद्रीनाथ जी, और फिर उसके बाद हम दिल्ली वापस जाएंगे। देखो बाबा जी कर रहे हैं पद यात्रा, बहुत सारे बाबा जी थे जो जा रहे थे पैदल। गोविंद घाट से पहले ब्रिज का आनंद लीजिए, और नीचे गंगा जी हैं, अलकनंदा जी। वाओ वे, बहुत ही अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। वाओ सफेद पानी, सफेद पानी, गाय का दूध, गाय का दूध। ये देखो गाय के दूध का झरना। गाइस तो हमें बद्रीनाथ जाते समय गाय का दूध का झरना मिला। ये जो पीछे अंकल जी बैठे हैं ना, इन्होंने बताया हमारे लिए, इन्होंने बताया ये गाय का दूध का झरना है, हमें तो पता नहीं था। मेहरो बाबा अभी निकल गए। घंगरिया फूलों की घाटी में आपका स्वागत है। और ये देखो हम आगे घंगरिया पहुंचने वाले हैं। जय भोलेनाथ, जय शव शंभो। गाइस नमस्कार, मैं हूं एडवेंचर धीरेंद्र, और पहुंच चुका हूं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए।
चार धाम यात्रा में हमारी ये चौथी यात्रा है जो कि हमारी यात्रा मैं भी आई उनके साथ में बद्रीनाथ यात्रा के लिए। हाँ, अभी गोविंद घाट में पहुंच चुके हैं। ये है गोविंद घाट। गोविंद घाट से हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी। से निकलने के बाद हिमालय की श्रृंखलाएं हमें दिख रही हैं। नारायण नारायण बजमन नारायण 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 बजमन नारायण 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 हरि। बहुत ही खतरनाक मोड़ और पहाड़ों का दृश्य। ओए होए, ये देखो भैया क्या खतरनाक रोड आया है। बद्रीनाथ धाम की जय। अलकनंदा हेलीपैड आने वाला है। अरे दाएं हाथ में हेलीपैड आया नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम चिड़िया करती है बसेरा भारत देश है मेरा ये भारत देश है मेरा पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा ये भारत देश है मेरा ये भारत देश है मेरा वह भारत देश है मेरा। ये है मेरा भारत जहाँ पे हैं बहुत महान महान चीज़ें। केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री लगाते मस्ती में फिर भी दिल है हिंदुस्तान। मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी है हिंदुस्तानी। तो बद्रीनाथ धाम 10 किलोमीटर रह गया है, सिर्फ 10 किलोमीटर। तो सारे भक्तजन अपनी पेटी बांध के रखें और हम करेंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन। जय हो बद्री विशाल। 10 किलोमीटर सिर्फ। तो हम बद्री धाम पहुंच चुके हैं, 1 किलोमीटर रह गया। उससे पहले पुलिस बैरियर पे नीचे देखो अलकनंदा रिवर है अलकनंदा, और बस 1 किलोमीटर बचा है बद्रीनाथ धाम। और हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम, अब करेंगे दर्शन। जय श्री बद्री विशाल की जय। हम बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र यहां से बद्रीनाथ शुरू हो गया है। सामने माना गांव है। ये बद्रीनाथ का पुलिस बैरियर है, यहाँ पे एंट्री होती है। कितने लोग इधर गए कितने लोग उधर गए। बद्रीनाथ धाम, ये है बद्रीनाथ जी का टाउन। और हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ और अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे देखो बहुत सारे होटल बने हुए हैं, सारे होटल ही हैं। बहुत सारे। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम में आपका स्वागत है। ये है बद्रीनाथ मंदिर की मार्केट। ये देखो दूध जलेबी। आज यहाँ पर राजनाथ सिंह आए, इस चक्कर में सारी पब्लिक बेचारी बाहर ही रोक दी गई है। सभी लोग वेटिंग में हैं। करवाई
पुलिस ने पकड़ने को आ गई, लेबर तो कूद रही उससे। जय हो बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय हो जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। तुम भी रुक जा लिया करो यार, अरे यार तुम सब खराब कर देते हो यार। बद्रीनाथ धाम में गर्म पानी का कुंड नहाते हुए, यहाँ महिलाओं के लिए है और यहाँ जेंट्स के लिए है। और मैं हूँ अरविंद धर्मेंद्र। ओम नमो नारायण। बद्री विशाल बद्रीनाथ मंदिर के अंदर बद्री विशाल के नंबर मंदिर में चन्ना मिर्च, श्री हनुमान जी, श्री नारायण मंदिर, ये नर और नारायण का मंदिर है। नर और नारायण, जय हो। और ये है श्री क्षेत्रपाल घंटा कर मंदिर, जय हो। और ये हमारे बद्रीनाथ जी, जय हो बद्रीनाथ जी। हाँ क्या हुआ? बस बस नहीं आ रहा होगा उसमें भाई। ओम पुनः हस्तो पृच्छा, हाथ धो लो, है वही आपका तर्पण हो जाएगा, पिंड भी हो जाएगा। कौन चलेगा साथ? वो जाएंगे पुण्य देगा। मेरा मोबाइल पीना है, पता नहीं मुझे नहीं मालूम। दिया था ना लो, इधर पता नहीं किसका, मुझे नहीं मालूम। मेरा दिया था ना मैंने उसको। लो महाराज, हाथ धो। हमारा है उसमें। चलिए चलिए, ये ले लो पानी। चलिए उधर देखती रहो। ओम अपंच पंत्रो सर्वावस्थांग का, ओम अपंच पंत्रो सर्वावस्थांग का, स्मृति पुंडरी का छाय सवाय अग्रमा दुर्गा कृति, ओम पृथ्वी की मेर कृपा चित्र छंदो को देखो आसन पंचे ने विनियोगा। हो बद्री विशाल की आंटी, आप पीछे आओ। बद्री विशाल की, बद्री विशाल। तो हमारे चारों धाम की यात्रा सफल हुई और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और आंटी जी भी खुश हैं, बहुत खुश हैं, और अंकल जी भी खुश हैं। सभी लोगों की यात्रा और पूजा बहुत ही अच्छी हुई। अब हम सब लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। आज रात रुकेंगे हम पीपल कोटी में, फिर कल हम चले जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार में ये लोग अपने घर चले जाएंगे और हम अपने घर चले जाएंगे, और हमारी यात्रा मंगल में हुई, सफल हुई।
जय बद्रीनाथ जी की, जय केदारनाथ की, जय गंगोत्री मैया की, जय यमुनोत्री मैया की, चारों धाम की यात्रा सफल हुई। तो भगवान की कृपा से और सभी के आशीर्वाद से हमारी चार धाम यात्रा संपूर्ण हुई। अब हम निकल रहे हैं वापस। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम की जय हो और इन सबकी भी जय हो। सभी लोग घर अपने पहुँचे अच्छे से और हम भी अपने घर पहुँचे। जय माता की, जय महादेव, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। अरे वो फरीदाबाद वाली कहाँ है? फरीदाबाद वाली जय, जय हो बद्री विशाल की। फिर आएंगे, जल्दी आएंगे। तो गाइस, हम चार धाम यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं और पीपल कोटी में रुके हैं, कल्याण पैलेस में। ये हैं यहाँ के ऑनर प्रदीप भाई। कैसे हो प्रदीप भाई? और अंकल जी कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा। आंटी जी, आपकी यात्रा पूरी हो गई? पूरी सफल हो गई। कैसा लगा? पूरी यात्रा सफल हो गई, बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ और यहाँ रुक के भी सही लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। तो गाइस, मैं हूँ एडवेंचर धीरेंद्र और हम पीपल कोटी से निकल रहे हैं। पीपल कोटी से जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ के लिए और हरिद्वार पहुँच के हमारी यात्रा समाप्त होगी। बाकी कल परसों में दोबारा यात्रा चालू होगी तो फिर से रुकेंगे हम पीपल कोटी में, कल्याण पैलेस में, प्रदीप भाई के। जय माता की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बोलो बद्री।